बीजेपी पर निशाना, कोरोना का टीका लगवाना हो तो पहले पार्टी बदलो। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कोरोना का टीका आ जाने पर पूरे राज्य के लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराने का वादा किया है। अब इसे लेकर देश में राजनीतिक माहौल गर्माता नजर आ रहा है। इस बाबत शिवसेना ने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना ने सामना में कहा है कि बीजेपी की असली नीति क्या है, उनका दिशा दर्शक कौन है, इस बारे में थोड़ा भ्रम का माहौल बना दिख रहा है। दो दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को आश्वासन दिया था कि सरकार प्रयास करेगी कि कोरोना का टीका आते ही उसे देश के सभी लोगों तक पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री टीके का वितरण करते समय कभी भी जाति, धर्म, प्रांत, राजनीति बीच में नहीं लाएंगे। शिवसेना ने सामना में बीजेपी के घोषणा पत्र में पहले नंबर पर यह दावा होने का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री पर भी निशाना साधा और इसे विचित्र बताया। शिवसेना ने सामना के संपादकीय में कोरोना काल में हो रही चुनावी रैलियों को लेकर भी तंज किया है। शिवसेना ने कहा कि नेताओं के हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और प्रचंड भीड़ उमड़ रही है, इस भीड़ में हो सकता है कि कोरोना की दब कर मौत हो जाए और राजनीतिक क्रांति हो जाए। संपादकीय में बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा गया है कि बिहार में जो निर्णय आना होगा वह आएगा, लेकिन बीजेपी ने लोगों के मन में कोरोना का डर बढ़ाकर मुफ्त टीके की सुई लगाने का फोकट उद्योग शुरू कर दिया है। स्पेशल डेस्क टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।